Hi, this is Paras Kalnawat and you're watching me on E Times TV. I'm talking, experience से कह रहा हूँ honestly कि ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल है. I feel very lucky, I feel very blessed that ये शो में आने के बाद मुझे एक्सेप्टेंस मिला, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, right. श्रद्धा बहुत ही प्यारे इंसान है. जब मैं डे वन पे उनसे मिला तो उन्होंने बहुत ही प्यार से वेलकम किया. मैं डरा सहमा हुआ घूमता था, लेकिन बशीर ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट वो ये कैरेक्टर, शौर्य का कैरेक्टर, इतने अच्छे से निभा रहा है कि कोई और उसकी तरह कर ही नहीं सकता था. ये मेरे लिए लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी फैसला रिस्क नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जहाँ लगता है कि मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है, मैं उस जर्नी के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ. तो मेरे लिए जितना भी मैंने काम किया है वो सब कुछ मेरा लर्निंग प्रोसेस ही है. और ये भी एक एक सरप्राइज़ की तरह मेरी लाइफ में आया. और मेरी लाइफ का जो फ़ैसला है, जो भी मैंने लिया है, वो उसे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये एक इतना बड़ा शो मिला है, कुंडली भाग्य शो मिला है. तो मैंने जो भी अपने लाइफ का फ़ैसला लिया, मैं कहीं ना कहीं अब ये सोचता हूँ कि जो होता है सब सही होता है और अच्छे के लिए ही होता है. तो रिस्क नहीं, बट जो हुआ बिल्कुल सही हुआ लाइफ में. और डेफिनेटली होता है ये फील, ये एज एन एक्टर हर किसी को होता है. जब कोई आप स्टेप लेते हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपको ये पता नहीं होता कि आपको ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, आपकी मंजिल तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा. मेरे लिए ये हुआ था, बट मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि मैं अपना 100% दूँगा जहाँ भी जाऊँगा, भले वहाँ पर जीत हासिल हो ना हो. मैंने जो रियलिटी शो किया और मैंने अपना 100% दिया, वहाँ पर डांस किया, सीखा, अपना जो हुनर था अंदर जो छुपा हुआ था उसे सामने स्टेज पर लाकर प्रूव किया. बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे ऑन स्टेज कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात थी. और 10th वीक तक पहुँचना तो बहुत ही बड़ी बात थी. तो हाँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फ़ील करवाती है कि मैं लाइफ में जो फ़ैसला ले रहा हूँ उसमें हर एक फ़ैसले में मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. ऐसा कुछ भी थॉट नहीं था ऑनेस्टली. जब मुझे पता चला मुझे कुंडली भाग्य का ऑफ़र आया और मैं ये शो का हिस्सा बन सकता हूँ, तो मैंने कुछ और सोचा ही नहीं. मेरे पास ऑनेस्टली हाथ में और 2-3 प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम पे. मुझे चूज़ करना था कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ नया शो करूँ या फिर शुड आई वेट फॉर द वेब शोज़ और ऑल ऑफ दैट. लेकिन जब कुंडली भाग्य का नाम आया मेरी लिस्ट में तो सब कुछ गायब हो गया. मैंने बोला दिस इज़ इट, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज़ एंड सालों से चलता आ रहा है, लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इस शो को और इतने सालों से देते आए हैं. तो ऐसे शो का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे शो में एक हीरो की तरह सामने निखर आना वो तो और भी बड़ी बात होती है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो ऑनेस्टली मैंने 1% 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे शो शायद नहीं करना चाहिए या फिर मुझे सोचना चाहिए. जैसे पता चला मैंने बोला हाँ मुझे करना है ये. आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट ये शो में आने के बाद मुझे एक्सेप्टेंस मिला, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया. और कंटिन्यूसली मैसेजेस आते रह रहे रास्ते पर. जब मैं कहीं पे कहीं शॉपिंग जा रहा हूँ, कहीं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो लोग जब मुझे मिलते तो मुझे रोक कर कहते कि आप राजवीर का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहे हो, आप तो वो हो ना, वो राजवीर बने हो आप. तो जिस तरह के कमेंट्स आते हैं वो और भी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं आपको कि आपको और अच्छा करना है, आप और ज़्यादा लोगों का प्यार बटोरना है, राइट. श्रद्धा बहुत ही प्यारे इंसान है. जब मैं डे वन पे उनसे मिला तो उन्होंने बहुत ही प्यार से वेलकम किया. ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं एक 6 साल का बना हुआ एक सर्कल है जिसके अंदर मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसा लगा मुझे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं हम लोग. ये शायद मेरा पहला सीन नहीं है उनके साथ, ऐसा फील हो रहा था मुझे. और उनके साथ वो जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है क्योंकि हम लोग के बीच में ज़्यादा एज डिफरेंस तो है नहीं, मतलब कुछ ही साल का एज डिफरेंस है. एंड आई कंसिडर हर एज माई एल्डर सिस्टर ऑनेस्टली. या फिर कहूँगा कि वो जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं ऑन सेट. कहीं वो मुझे वीडियो बनाते हुए दिखते तो मैं उनकी वीडियो ले लेता हूँ, वो डाल देता हूँ, फिर उसके अगेंस्ट वो मेरे लिए कुछ वीडियो डाल देंगे. एंड 2-3 और फ़नी चीज़ें हम दोनों एक दूसरे को डाइट टिप्स देते रहते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो वो थोड़े क्यूट मोमेंट्स हैं हमारे लाइफ में, BTS जो बिहाइंड द कैमरा चल रहे हैं. I feel so lucky that I got this team. It's not easy to get this kind of team, honestly. You know, I'm talking, you know, experience से कह रहा हूँ honestly कि ऐसी team मिलना बहुत मुश्किल है. And I'm very happy that I've got Sana, Basheer, I've got Shraddha, Anjum and all of these guys as my co-actors because ये लोग बहुत ही प्यारे इंसान हैं. एक्टर तो कमाल के हैं लेकिन इंसान भी कमाल के हैं. बशीर का पहला शो लग नहीं रहा उसका पहला शो है क्योंकि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन. उसने जितनी रियलिटी शोज़ पहले ही किए उससे कॉन्फिडेंस आ गया. मुझे याद है कि जब मेरा पहला शो था मैं डरा सहमा हुआ घूमता था लेकिन बशीर ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट वो ये कैरेक्टर शौर्य का कैरेक्टर इतने अच्छे से निभा रहा है कि कोई और उसकी तरह कर ही नहीं सकता था. ये चीज़ मेरे लाइफ में बहुत ही मैटर करती है बिकॉज वेयर आई कम फ्रॉम और ऐसे स्टेज पर जाना और जिनके बारे में यू नो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं सपनों में सोचता था कि मैं कभी इनसे मिलूँगा इनसे बात करूँगा और उनकी ज़ुबान से तारीफ़ें सुनना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो मेरे लिए एक सपने की तरह था ये सब कुछ. मुझे यू नो अभी भी मैं जब अपने जर्नी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कभी कभी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अपनी लाइफ में बिकॉज़ जो फेज़ मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो रास्ते से मैं गुज़रता हुआ यहाँ तक आया हूँ ये सब एक सपने की तरह लगता है. तो बस यू नो आप सबका साथ है ऊपर वाले का साथ है और मेरी माँ मेरे पापा हमेशा इतने सालों से मेरे साथ रहे एंड आई नो दैट माई डैड इज़ स्टिल वॉचिंग मी. सो उसके वजह से यू नो आई एम जस्ट चूजिंग राइट थिंग्स एंड ऑल द राइट थिंग्स इज़ हैपनिंग विद टू मी राइट नाउ. I just want to give all the love to all the co-actors and all the cast and crew क्योंकि ये एक टीम से बनता है शो. 1500 एपिसोड सबका साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है. हम तो अभी नए आए लेकिन जितने लोगों ने 1500 एपिसोड ख़त्म किए उनको बहुत दिल से प्यार देना चाहता हूँ और यू नो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 1500 कोई छोटा नंबर नहीं होता बहुत बड़ा नंबर है और 6 साल शो चलना ये बहुत बड़ी बात होती है. मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मुझे हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. जब भी वो सीन देखती है मुझे बताती है कि यू नो आप एज एन एक्टर ऑल्सो यू हैव ग्रोन राइट नाउ. वो मुझे क्योंकि मम्मी एक ऐसी इंसान होती है जो सच बताती है जिनके ज़ुबान से कभी झूठ निकलेगा नहीं जो रियलिटी हो बताती है. तो बस उनके मुंह से जब मैं तारीफ़ें सुनता हूँ कि मैं बेटर होता जा रहा हूँ हर दिन और मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ राजवीर को ऑन स्क्रीन तो बस ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और हर मेरे स्टेज पर हर यू नो हर प्रोजेक्ट पर आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते आ रहे हैं तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और कुंडली भाग्य देखते रहिए. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल.